उससे पहले तृणाव्रत का भी उद्धार बताया जाता है, तम विस्मिता भार पीड़िता भूमो निधाय, ऐसे तृणाव्रत का, ऐसे सकटासुर का कि पदार्थों में अभिमान न आने पाए, इतने पदार्थ आ गए, यशोदा और नंद बाबा सारे ब्रजवासी थक गए वस्तुएं रख रख कर, कभी कभी इतने पदार्थ आ जाएंगे जीवन में, इतनी वस्तुएं आ जाएंगी, एक बार सही ढंग से चलकर तो देखो भंडार भर जाएंगे, आपसे संभाले नहीं जाएंगे। लेकिन वो सब किन्हीं के लिए हैं, किन्हीं से हैं, अपनेपन का उसमें बोध न हो, बांटने की भावना हो, उन्हें प्रसाद रूप में बांटिए, उनका आदर कीजिए। बहुत सी वस्तुएं आपके पास हैं, आपके भंडार में, संग्रह में, संचय में, कितने वस्त्र हैं, कितने ही पदार्थ हैं, कितने परिधान हैं, उनका आदर करो, बांटो, वहाँ पहुँचाओ जहाँ पर उनका अभाव है, जहाँ उनकी आवश्यकता है। इसलिए एक नई बात सुना रहे हैं आज आपको, बिल्कुल नई बात। हम जैसे दूसरों का आदर करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, वैसे कभी कभी अपने घर की वस्तुओं का भी आदर करो। किस रूप में? अगर अधिक हैं तो उन्हें बांट दीजिए दरिद्र को, साधनहीन को, विपन्न को, जिनके पास नहीं है। कुछ ऊनी वस्त्र निकाल लीजिए, कुछ वैसे वस्त्र अन्य ऋतुओं के, कुछ परिधान, घर में कुछ ऐसी सामग्री निसंदेह मिल जाएगी जो अनुपयोगी लगेगी, अब उसका उपयोग नहीं करेंगे, बस यूं ही आपने लोभ के कारण उन्हें रखा हुआ है अपने पास। क्योंकि भंडारण की वृत्ति है, इकट्ठा करने का हमारा स्वाभाविक मन रहता है, चीज़ें किसी को देना नहीं चाहते, हो सकता है कि उनका कुछ और रूप हो जाए, रंग हो जाए, वो आउट ऑफ डेट हो जाए, आउट ऑफ फैशन हो जाए, अब वो किसी काम के नहीं रहेंगी, इससे पहले उन्हें बांटिए। नंद बाबा बांटने लगे चीज़ों को, इतना बांटा उन्होंने, वो जितना बांट रहे उतना बढ़ रहा है। ये एक प्रकृति ऐसा करती है। अच्छा, बटती क्या चीज है? प्रसाद बटता है, जो बटना चाहता है उसे प्रसाद कहते हैं। आओ अपने घर की चीजों को थोड़ा प्रसाद बनाएं, और आज ऐसा करना, आज ऐसा ही करें, वार्डरोब खोलें और उसमें से कुछ चीजें शॉर्ट आउट करें, निकालें कुछ वस्त्र, कुछ परिधान। अरे हमने तो एक युग देखा तब एकाध दोड़ी जोड़ी लोगों के पास जूते चप्पल होते थे, अब तो घर में पूरे शू रैक्स भरे पड़े हैं, रैक्स हैं घर में, जगह नहीं है। चप्पलें घर में रहती हैं लोगों के, घर में तो जगह है नहीं, जूते हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, इतने रखे न जा सके। उदार मन बनाइए, थोड़ा यशोदा से सीखो इस कथा में कि वो बांट रही है चीजें, चीजें बट रही हैं। और ये संत मत का सिद्धांत भी है, बहुत बड़ा सिद्धांत, कीरत कर वंड छक नाम जपो, ये संत मत का सिद्धांत है।